चल जल्दी बताया जाए एक बारी और जल्दी जल्दी पहले आया जाए, ठीक है? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं शेयर कर दिया है ग्रुप में इसे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा मुझे लेकिन मैंने कर दिया है, ठीक है? थोड़ा अर्ली नहीं कर पाया बट आई डिड इट, ठीक है? सो सबसे पहले तो बहुत बहुत गुड इवनिंग सबको, बहुत बहुत गुड इवनिंग। साइंस वाली क्लास थोड़ी डिस्टर्ब चली गई, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हिस्ट्री वाली क्लास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो फटाफट सबसे पहले आप लोग भी शेयर करो। अच्छा, ये पार्ट वन का लोगो जो आपको दिख रहा है इज नॉट पार्ट वन, बेसिकली इट इज़ पार्ट टू, ठीक है? सो स्वागत है, चलिए हिस्ट्री वाली इस क्लास में आप लोगों का। साइंस थोड़ा डिस्टर्ब गया, अभी थोड़ी देर बाद मैं कमेंट देखता हूँ। सबसे पहले गाइस शेयर कर दो चारों तरफ, ठीक है? और मुझे भी एक थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी ये काम कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। और उसके बाद आप लोग भी जल्दी जल्दी पहले यहाँ पे आओ, ठीक है? और एक दो मिनट का टाइम लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि कौन आया है कौन नहीं आया है, क्या कहानी कैसी है, ये सारी बातें अभी हम देखते हैं, ठीक है? और फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन बी क्विक। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। बस हो गया। सो गाइस, यार मैं थोड़ा सा ना थोड़ा उदास था ज़्यादा, ठीक है? मतलब उदास इन द सेंस कि पहली बार ऐसा लगा कि लाइक ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक्चुअली साइंस वाली क्लास को लेके, ठीक है, क्योंकि बड़े अच्छे नोट्स पे हमने चीज़ों को शुरू किया था। अब अच्छे नोट्स पे शुरू किया था लेकिन उसके बाद कहानी थोड़ी सी हो गई डिस्टर्ब, ठीक है? सो कोई बात नहीं, ये क्लास मैं कल ही अरेंज करता हूँ। आई जस्ट विल लाइक ऑल ओके फ्रॉम माई साइड आई गेस। आवाज़ वाज सब सही है, सब ठीक है? सो बड़ी अच्छी नोट्स पे क्लासेस शुरू की थी गाइस, ठीक है, बट थोड़ा सा हो गया, थोड़ी सी हो गई प्रॉब्लम, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इतने थोड़ा स्पेशली ऑन माई पार्ट आई फेल्ट लाइक ए लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। सो एक्सट्रीमिस्ट की कहानी गाइस हम आगे बढ़ाएंगे आज। आदिति आ जाओ जल्दी, गुड इवनिंग आदिति चोपदर एंड आदिति शर्मा, देर आर टू आदितीज, ठीक है? सो सबको गुड इवनिंग। आदिति, प्रियांशी, निधि, बॉस, छठी बार में देख लिया मैंने आपको, मंदीप, मधु, पूनम, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी, गिरजा, ब्रजेश, आदिति, शबा, आओ, प्रिया, आदिति, रवि, चेस्वार, पहली बार दिख रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने देखा हुआ है आपको, आर जे ए, यस आई रिमेंबर, दिनजिस, लाइबा, नदी, नथिंग हैपेंड, इट्स ओके, मतलब आई जस्ट चेकिंग फ्यू सेकेंड्स लाइबा टू लाइक सो दैट आई कुड पोस्ट इट इन द ग्रुप्स, राइट, इन योर ग्रुप मैं वो करना है भूल गया था, ठीक है? आदिति गुड इवनिंग, अविनाश, मनीषा,
देन प्रगति, विदिशा, ब्रजेश, लोकेश, राठी साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैंने नहीं देखा आपको इधर ज़्यादा। ठीक है, क्या दिक्कत है? गिरजा, देन यू हैव दिस पूनम, यस काजल, एकदम सबको, शागिरा, संयुक्ता, विशु, राहुल, फैज, फैज साहब क्या हाल चाल, अनमता वालेकुम सलाम, सिद्दीकी साहब, फैज साहब, अनमता सबको वालेकुम सलाम, सायका, नेटवर्क इशूज, इट्स ओके, नो 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 नेटवर्क इशू, बिल्कुल सही है अभी कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। वैष्णवी, बिल्कुल सही हैं हम। लाइबा, गुड इवनिंग। गुंजन, अनमता, रीति, मैंगोज, थैंक यू। मनीषा ठीक है। गौरी, आशीष, वैष्णवी, सीबी, देन यू हैव दिस रेनू, अरविंद, अर्चना। चलो देखता हूँ, अभी मैं देखता हूँ, फिर बाद में बोलूँगा। आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरा दिल टूट गया सर साइंस क्लास में, मज़ा आ रहा था। कोई बात नहीं, फिर दिल जुड़ जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा था प्रियांशी उसी समय कि दिल टूटने वाली चीज़ नहीं होती है, मस्कुलर होती है। एजे कैसे हैं आप यार? गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है हम तो। ठीक है, जल्दी जल्दी आओ, अभी मुझे भागता हुआ वो जो आप लोगों का मैसेज आता है ना इमोजी का, दौड़ता हुआ ले, बड़ा अमेजिंग होता है। ठीक है, वो सब अभी आ ही रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे, कि अभी भी आ रहे हैं सब। ठीक है, सो आकाश, अर्चना, सिमरन, चलो अब थोड़ी देर बाद देखूंगा मैं कमेंट्स, थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं थोड़ा। ठीक है, वैष्णवी, यू आर रियली गुड टीचर, थैंक यू फॉर द रोज इज वैष्णवी, बट आई वुड लाइक टू सी यू मोर एंड मोर इन माई क्लासेस। राइट, बेसिंग, जूमी, मनदीप, कमलेश, संध्या, शुभम, जल्दी आओ, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी भाग के आओ, दौड़ के आओ, एकदम तबाही मचाओ। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे। निक्की, गुड इवनिंग, देन यू हैव दिस, अभी भी बहुत लोग आने बचे हुए हैं। सो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो गायत्री, राज बहादुर, विशाल, चलो गाइस, जो नए लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडी विद अभिषेक। ठीक है, ये जुड़ो, आप इस पे बातचीत करो, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन अटके मत रहो, सबसे पहली बात। ठीक है, इज इज माई टेलीग्राम कोड, ये बेसिकली अन अकेडमी का प्रोमो कोड है, जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़ करेंगे तो ठीक है, आपको फिर उससे फ़ायदा होने वाला है, जो फ़ायदा होता है 10% का। इसमें भी कुछ बड़ी अमेजिंग चीज़ें शुरू हुई हैं, मैं आप बताऊंगा फिर आपको, और बाकी लोगों भी बताया होगा, सो डू टेक एडवांटेज ऑफ दोज थिंग्स। तृप्ति कैसी हैं आप? नहीं तृप्ति, साइंस क्लास नहीं हो पाई है। शहूर, योगेश, आकाश, कंचन, गुड इवनिंग। पलक सर, आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो क्या इनकम्प्लीट? पलक, मुझे लगता है कि आपको बहुत कम देखा है मैंने अपनी क्लासेस में, बट डेफिनेटली खत्म होगी ही होंगी, इसमें कहीं से कोई डाउट मत रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, ठीक है, इनफैक्ट ये पूरी हिस्ट्री पीटी के लिए जो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में इसलिए हो रहा है बिकॉज डेट एक्सटेंड हो गया है, तो मॉडर्न ही नहीं, एंशियंट और मीडियाइवल भी होगा। ठीक है, मॉडर्न तो अब लगभग खत्म ही करने वाले हैं हम। ठीक है, अच्छा आदित्य सर, राठी सर, हिस्ट्री एनसीईआरटी कब से कंटिन्यू करेंगे? ये मेरे को नहीं पता है अभी। ठीक है, मैं बताता है अगर पता होता तो। महिमा, चलो आदित्य, अंकिता, चलो चलो यार, सो शुरू करते हैं गाइस, दिस इज माय टेलीग्राम। जो नए लोग दिख रहे हैं उनसे, उनको इसे ज्वाइन करने का एक रिक्वेस्ट है, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, क्लासेस वगैरह के, और जो हमारी बातें हैं वो शेयर कर सके और लाइफ में आगे बढ़े यार, लटके ना रह जाए एक चक्कर में कि भाई कहाँ से एनसीईआरटी, कहाँ से वो, कहाँ से ये, मतलब यही तो डिलेमा होता है ना फ्रेशर्स का जनरली, जिसमें पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, रेनू, यस, गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसी हैं। काजल, थैंक्स फॉर द मैंगोज। प्रियंका, हाय, गुड इवनिंग। सो गाइस, एक्सट्रीमिस्ट वाली कहानी हम पढ़ रहे थे, चलो अब थोड़ी देर बाद कमेंट देखूंगा, अभी भी लोग आ रहे हैं तो प्लीज आओ, और किसी का नाम अगर छूट जाए मैं नहीं बोल पाऊँ तो दुखी मत होना, और प्लीज मतलब मेरे को भी थोड़ा सा कंसिडरिंग मी अ मैन, ठीक है, इन चीज़ों को नॉर्मल नोट्स पे लेना, मतलब बहुत दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ मिस हो सकता है। ठीक है, एनी वेज, मूविंग अहेड, संध्या क्या कह रही हैं आप? थैंक यू सर, आप मेरे पहले से सर हैं, इसे मुझे हिस्ट्री पढ़ के इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो संध्या, वेरी नाइस टू नो दैट, कंटिन्यू कीजिएगा, पूरी क्लासेस कीजिएगा। योगेंद्र साहब कहाँ थे यार अब इतने दिन? नितेश क्या पूछ रहे हैं आप? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं बताइए मेरे को। शिमी ओके, तृप्ति थैंक, प्रज्ञा, तृप्ति यार क्लास पे फोकस करो अब, ठीक है ना, बातचीत खत्म करो, मैं देखता हूँ आपको कि व्हेनेवर यू कम इनटू द कमेंट सेक्शन आप बात करने लगती हैं, दिस इज नॉट फेयर। स्नेहा, सतीश सर मैं दुखी हूँ, सतीश प्लीज दुखी मत होना, टेलीग्राम पे मेरे को अपना दुख बताना, मैं उसे लाइक डेफिनेटली कोशिश करूंगा दूर करने की, अभी यहाँ पे नहीं, अभी ये सब चीजें यहाँ पे नहीं। ठीक है,
कोई बात नहीं, तबीयत खराब थी तो प्लेलिस्ट है ना यार, सारी क्लासेस वहां पे हैं, गो एंड लाइक कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। हाँ तृप्ति, चलो अभी हिस्ट्री की क्लास हो रही है, सो गई है तो अभी उठ जाइए। नित्या, निहालिका आ जाओ जल्दी जल्दी यार, अब शुरू करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग निहालिका, नित्या, सबको, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट फेज में गाइज, बेसिकली हमने राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो चरमपंथी थे उनके विकास, उनके उनके ग्रोथ का क्यों वो पनपे, ये कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज थे डेफिनेटली, और सबसे बड़ा जो कॉज था बेसिकली गाइज वो वही था कि मॉडरेट से, ठीक है, जो इनकी नाराजगी थी कि भाई जो मॉडरेट्स के तौर तरीके हैं उस हिसाब से भाई कुछ नहीं होने वाला, और कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन दिस वॉज ट्रू ऑल्सो, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दैट वॉज द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस न्यू फैक्शन इन द कांग्रेस, दैट वॉज न्यू फैक्शन इन साइड द कांग्रेस इटसेल्फ, दैट वॉज दैट केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी, जिसे आप कहते हैं गरम दल जिसे कहते हैं। सो कॉजेज हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, फिर कुछ मेजर एक्सट्रीमिस्ट के बारे में देखा था, जो तस्वीर आपको दिख रही है, दैट इज लाल बाल अनपाल, फिर अरविंदो घोष जैसे लोग इसमें थे। इसका एक अल्टीमेट राइज जो था बेसिकली, देखिए जो चरमपंथियों का जो सबसे ज्यादा इनका जो गदर बेसिकली बेसिकली मचा ना बेसिकली गाइस, राइट, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, ठीक है। इसके बाद इनकी जो, इसके बाद जो सूरत का जो कॉन्फ्रेंस होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि एनुअल सेशंस हुआ करते थे गाइस, सारे लोग क्लास पे ध्यान रखो। अब फैज बाबू वालेकुम सलाम, मैंने बोला है आपको, ठीक है। यस शहर शहूर सहूरत, नाइस टू सी यू, मुझे अभी ठीक है। सायका हाउ आर यू, अभी देख लिया मैंने आपको भी सायका। ओलेक नाइस टू सी यू, ओलेक हाय गुड इवनिंग। सहूर नाइस टू सी यू ऑल्सो। संध्या ऑल राइट। रेशमा गुड इवनिंग रेशमा, ठीक है। रेशमा जेशवानी नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। द न्यू नेम्स, न्यू नेम्स से मुझे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा राहुल द्रविड़ वाला एटीट्यूड लाना जरूरी है, राहुल द्रविड़ वाला एटीट्यूड इन द सेंस की कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना है, भटकना नहीं है यहाँ वहाँ, चॉइस इज योर्स ऑन यूट्यूब, चॉइस इज योर्स, आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है, वहाँ स्टिक करके रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। यू डोंट बी लाइक दैट, लाइक कि भाई एक युवराज सिंह सॉर्ट ऑफ, कि भाई एक मैच में खेले फिर पांच मैच में, मतलब उसी वजह से खेले क्योंकि एक मैच में बहुत ज़बरदस्त खेले। सो राहुल द्रविड़ वाली कंसिस्टेंसी टू ऑल न्यू कमर्स, दिस इज माई रिक्वेस्ट, दैट कंसिस्टेंसी लाइए, स्टिक टू समथिंग, कंप्लीट दैट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हैं तो यहाँ पे रहिए, तीन चार क्लासेस कीजिए, देन डिसाइड अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, बी देयर, टॉक टू मी, क्लियर योर डाउट्स, बट डोंट स्टिक टू वन पॉइंट, डोंट स्टिक एट वन पॉइंट, रुको मत, नहीं तो कैसे तीन चार साल बीतेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, राइट। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हमने काफी अच्छे से देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के केस में बेसिकली जो मुख्य मुद्दा था वो एक रेशियल डिवीजन था उस पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी का। इवन दो अंग्रेजों ने डेफिनेटली इस समय जो गवर्नर जनरल जो इस कांड को अंजाम देने वाले थे, दैट वाज बेसिकली दैट करजन साहब, इन्होंने जो रीजन दिया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस दिया था, जो कहीं ना कहीं ठीक भी था, बट जिस तरीके से पार्टीशन किया गया लाइक दिस ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यही ईस्ट बंगाल आज की तारीख में बांग्लादेश है, तो पार्टीशन जिस तरीके से किया गया एक्चुअली, ठीक है, वो एरिया रेशियली बहुत डिस्क्रिमिनेटेड होता चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये जो बांग्लादेश ईस्ट बंगाल और असम वाला क्षेत्र था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, और ये हिंदू बहुल क्षेत्र में, मतलब जो वेस्ट इधर वाला बंगाल है प्लस दिस आज की तारीख में कह लें तो थोड़ा सा बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र और वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र जो आज वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ठीक है। सो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ऑल। अच्छा यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोग को याद दिला दूँ, एच एच रिसले साहब का नाम आप लोग को, एच एच रिसले साहब का नाम आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, जस्ट लेट मी नो, गिव मी यस और नॉट। लॉर्ड कर्जन, संजीवनी का क्या इंपॉर्टेंस था, बनारस सेशन में क्या हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। देन यू हैव दिस आत्मनिर्भर भारत जो थीम था स्वदेशी एंड बायकॉट आंदोलन का, जो बनारस वाले सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, वो आत्मनिर्भरता थीम जो, व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट व्हिच वाज प्रपोज्ड आफ्टर दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैंने कहा था कि ऐसी बातें आप मिस करते हैं, ठीक है, एग्जाम में तबाह करने वाली ये बातें होती हैं। और फिर जो आत्मनिर्भरता को थीम बनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करना शुरू किया गया, उसकी वजह से, ठीक है, विदेशी सामानों का जो व्यापार करना, जो बहिष्कार करना शुरू किया गया था, उससे ट्रेडिशनल जो भारत की हस्तकरघा और जो
बुनकर उद्योग था, वीविंग इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, उनको बहुत बड़ा बूम मिला था, सो दैट वॉज लाइक अ बोनस. ठीक है. माई बर्निंग डिजायर इज नॉट वर्किंग फॉर यूपीएससी सर एज माई हेल्थ इज डाउन, आई एम वेरी सैड सर. नितेश, मैंने कहा ना आपको कि टेलीग्राम पे ये बातें होंगी. डू यू थिंक दैट दिस प्लेस इज वर्थ टॉकिंग दीज थिंग्स? ठीक है. और रवि साहब क्लास पे ध्यान दो. ठीक है. शिवलीला भी आ गई, मनदीप कुछ अच्छे, आकाश साहब भी आ गए, एच एस रिचले होम मिनिस्टर था, सीबी सिंधु, यस सर रिमेंबर, ये सारी बातें याद है. ऑल राइट, मूविंग अहेड. ठीक है. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं, इससे जुड़ी हुई मतलब बेसिकली जो भी क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक बातें थी, डिप्लोमेटिक बातें थी, और जो हकीकत थी वो सारी बातें हम कर चुके हैं. अब बनारस सेशन जो उसी समय हुआ था, जो यहाँ पे अब आगे बढ़ोगा इस, ठीक है, जो बनारस सेशन हुआ था ना, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने अध्यक्षता की थी 1905 में एग्जैक्टली, इसी में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को प्रपोज किया गया. चलिए यहाँ से कहानी को अब आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा रिकैप जरूरी होता है बिकॉज आई गेस आप लोग कहीं भूल ना जाएं. ठीक है. कहाँ थे यार आप लोग? ज्योति अभी आ रही हैं, गुड इवनिंग. चलो कृष्णा भाई सॉरी, ध्यान दो यहाँ पे. ठीक है. सो बॉयकॉट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन कलकत्ता सिटी हॉल ऑन August 7, 1905. मतलब एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया. आफ्टर दैट जो बनारस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो ये एक प्रपोजल लाया गया था उसको फाइनली पारित किया गया कलकत्ता के सिटी हॉल में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन का मतलब की शुरुआत, इसकी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि हाँ भाई मतलब लागू करेंगे अब इस चीज़ को. ठीक है. स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट में बेसिकली क्या थीम था गाइस? अगर आप स्वदेशी शब्द को देखें तो ये शब्द ही बहुत सब कुछ बार बार आपको बता रहा है, दैट हम अब स्वदेशी अपने देश के बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे, और बॉयकॉट मतलब क्या, बहिष्कार किसका, विदेशी चीज़ों का. सो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार और अपनी चीज़ों का उपयोग, ये बेसिकली आत्मनिर्भरता थीम को जस्टिफाई करता है, जो कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का बेसिकली थीम था. देखो अभी भी सब आ रहे हैं. महिमा गुड इवनिंग, यार रूहान यस यू आर लेट. ठीक है. कृष्ण बिल्कुल करवाऊंगा यार, मॉडर्न क्यू, मॉडर्न मीडियावल इंसियंट, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा गुरुकुल जो 2 है वो पीटी का क्रैश कोर्स है, सब कुछ होगा, डोंट वरी. ब्यूटी गुड इवनिंग, ए आर स्टूडियो गुड इवनिंग. चलो ऑल राइट. निधि मिश्रा गुड इवनिंग, अभी भी आ रहे हैं. चलो देखते हैं 9 बजे तक सब आएंगे मुझे लगता है. आई डोंट नो मतलब किस एटीट्यूड के साथ कुछ लोग पढ़ाई करने में लग गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं दैट क्या इस एटीट्यूड के साथ यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. आई डाउट क्या मतलब, आई चैलेंज. सो ये बात मैंने ग्रुप में भी 2-3 दिनों पहले, 4-5 दिनों पहले रेज की थी कि प्लीज़ जो इनकन्सिस्टेंट है, जिनको अब 1.5-2 महीने पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री या और सब्जेक्ट्स ऐसा लगने लगा है कि अब वो बहुत सीख गए हैं, अब यूपीएससी निकाल लेंगे, इसी से मेंस हो जाएगा, अब नहीं अब 6 महीने बाद पढ़ेंगे, यार प्लीज़ आदत बदल लो अपनी. ठीक है. हितरानी कहाँ थी आप? इज इट द टाइम टू कम यार? जैनाब आप भी लेट हैं. ठीक है सर, बीच में लीव मत यार. अशफाक बीच में तो तुम दिखे हो मेरे को यार. ठीक है, कंटिन्यू तो करो पहले गाइस, जल्दी आया करो सब प्लीज़. चलो सो हाँ, सो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जो थीम थी बेसिकली गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्वदेशी और बायकॉट दोनों शब्दों का मतलब समझ गए. आत्मनिर्भरता थीम किस मकसद से लिया गया था, मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी विल आस्क यू व्हाई. ठीक है, यूपीएससी की तैयारी चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, व्हाई पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्यों. ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट एंड वेयर, जो कि आप लोगों को लगता है कि वही सब कुछ है कि भाई बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में, गजब बात. ठीक है, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, 1905 में, गजब बात. कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कर्जन, वाह 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 गजब हो गया. ठीक है, ये सब चीज़ें यूपीएससी में. ठीक है. निधि मिश्रा सॉरी सर, इवनिंग का टाइम था, थोड़ा काम रहता है. चलो ओके, ये इससे ज़रूरी काम निधि नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एकोमोडेट कीजिए. ठीक है ऑल राइट, चलो ध्यान दो अब यहाँ पे. ठीक है, सब सेशन देंगे शुभम, आप बस अब थोड़ा सा क्लास मेरे को करने दो, 10 मिनट तक नो कमेंट्स. राइट, सो हाँ, तो बेसिकली ये प्रपोज हुआ आत्मनिर्भरता जो थीम, स्वदेशी का मतलब कि भाई किस स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया गया था.
तो भाई मकसद ये था कि देखिए हम बाय फोर्स अंग्रेजों के अगेंस्ट जाने की हैसियत नहीं रखते थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 1905 इज द टाइम, गांधी अभी नहीं है, अभी जो टेम्पो है वो बहुत लो है, मॉडरेट्स ने बहुत कुछ नहीं किया हुआ है, सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा। मॉडरेट्स बिल्कुल उनको अंग्रेजों ने बहला फुसला के रखा है, गांधी 10 साल बाद उनकी कहानी शुरू होगी, सो टेम्पो बिल्कुल लो है और स्ट्रेटेजिकली और ऑन द एट द लेवल ऑफ द मिलिट्री एंड एट द लेवल ऑफ द आवर डिफेंस स्ट्रेंथ और पोटेंशियल हमारी हैसियत एक लाइन में मैं कहूँ तो अभी अंग्रेजों को बाय फोर्स अपोज करने की नहीं है। सो इस कॉन्स्पिरेसी इस साजिश का इस स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का बेसिक जो मतलब था वो यही था कि अंग्रेज बेसिकली आते हैं हमारी लोगों का ही हमारी चीज़ों का ही उपयोग करके हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं। सो स्कूल कॉलेज कोर्ट कचहरी सब जगह इवन इन द आर्मी 85% आर द इंडियंस, इन सब जगहों को अगर हम बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन क्लोथ्स जो अंग्रेज लंदन की धरती से मैनचेस्टर जिसको मतलब कॉटन का गढ़ माना जाता है लंदन में, वहाँ से इंडस्ट्रियल, मैंने पहले ही बात बताई हुई थी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वहाँ जो प्रोडक्शन में स्वेलिंग हुई थी उनको मार्केट की ज़रूरत थी, तो यहाँ से कॉटन ले जाके वहाँ पे कपड़ा बनाते थे और वहाँ से कपड़ा फिर ये इंडिया की मार्केट में आता था और फिर वहीं 10 गुना 50 गुना 70 गुना 100 गुना दामों में बिकता था। दैट वॉज द प्रोसेस, सी ठीक है। सो इन चीज़ों का हम बहिष्कार कर देंगे, कोर्ट कचहरी स्कूल कॉलेज आर्मी एंड ऑल जहाँ भी इंडियंस हैं इन सब चीज़ों का, और वी एक्चुअली विल रिलाई ऑन द सेल्फ मेड गुड्स। दैट वॉज द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बहिष्कार करना वॉज द आइडिया ऑफ बॉयकॉट, ठीक है। सो बहुत चीज़ें हुई, मतलब एक तरीके से अगर बताया जाए ठीक है, तो इसी तर्ज पर आत्मनिर्भरता की तर्ज पर इस आंदोलन ने काम किया, ठीक है। और हर लोगों ने, यूथ ने, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इवन मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बट मुस्लिम पार्टिसिपेशन उस तरीके से इसमें नहीं देखा गया था एज इट वॉज इन द केस ऑफ 1857 का रिवॉल्ट में, जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वैसी नहीं देखी गई थी। बिकॉज ध्यान रखिए 1905 का ये टाइम है और 1906 में मुस्लिम लीग बन जाएगा, ठीक है। सो मुस्लिम लीग बनने की बातें होने लगी हैं, ठीक है। ढाका में जो नवाब सलीमुल्ला हैं या फिर जो हकीम अजमल खान या जिन्ना जैसे लोग हैं, ठीक है, अचानक से एक दिन चाय कॉफ़ी पीते हुए मुस्लिम लीग तो नहीं बन सकता है ना, एक आइडिया आया होगा जो ग्रो किया होगा, तो मुस्लिमों में वो भावनाएं उत्पन्न होने लगी है दैट वी एक्चुअली आर नीडेड टू बी स्टे सेपरेट, वी नीड टू स्टे सेपरेट। सो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें बहुत क्लियरली रखिएगा, ठीक है, अपने दिमाग में। बहुत जो यूपीएससी में पॉइंट पॉइंट मोर देन वन पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसी स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वदेशी एंड बायकॉट आंदोलन, ठीक है। मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन वॉज वेरी ओवरवेलमिंग इन दिस मूवमेंट, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी माइल्ड एंड वेरी लो और पुअर इन दिस मूवमेंट, ये सब स्टेटमेंट तरीका है यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस के आने का। सो दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दिस थिंग्स, मैं आप लोगों को यूपीएससी की रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिए इसे अगर यूपीएससी की ख्वाहिश रखते हैं तो, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइएगा ऑन व्हाट एवर आई एम सेइंग। सो मुस्लिम का पार्टिसिपेशन वॉज नॉट वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी इसमें गाइज वो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, दैट वॉज लाइक अमेजिंग। मतलब जगह जगह से लोगों ने, मतलब वुमेन्स ने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, अपने गहने को देकर, ठीक है, सड़कों पे आकर, मतलब खाना देकर, खाना बनाकर, वॉट एवर दे कुड डू एक्चुअली, ठीक है। सो दैट वाज वन वेरी अमेजिंग थिंग रिगार्डिंग दिस स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर था वॉज दैट ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स पार्टिसिपेशन, और मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाला क्या स्टैंड था वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ऑल राइट, वंदे मातरम जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है, और वो एक स्लोगन बन गया, लगभग स्लोगन बन गया इस आंदोलन का, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और किस किताब से ये गीत ली गई है जरा, आई वॉन्ट टू सी द आंसर। व्हाट इज मैनचेस्टर, रेनो मैनचेस्टर इज अ सिटी इन लंडन विच इज नोन फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्शंस, ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए, जैसे गुजरात में सूरत जाना जाता है, अहमदाबाद जाना जाता है, महाराष्ट्र वाला रीजन जाना जाता है, वैसे ही मैनचेस्टर इज अ प्लेस, इज अ सिटी इन यूके, ठीक है। जल्दी से बताओ ये जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, वांट टू सी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कि जो वंदे मातरम जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है जिसे बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है, एक्चुअली उनकी किसी किताब से ली गई है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बुक, नीड टू सी द आंसर। आनंद मठ,
आनंद मठ। यस योगेंद्र साहब सही है। योगेंद्र बाबू आप बहुत दिनों बाद दिखे हैं क्या यार? एच रिसले वाला आंसर ही आ रहा है। दिस हेमंग आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ। टीना, मनदीप, आकाश, मोनिका, ब्रजेश, मनीषा, आदित्य, ठीक है सब आनंद मठ हैं। ठीक है, ऑल राइट, गुड 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 गुड, ठीक है सही है, वो याद रखिएगा। अच्छा एक और कंसेप्ट, क्योंकि ये बंगाल वाले एरिया से ग्रो हो रहा था तो बंगाल में कुछ वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो होते चले जा रहे थे, जैसे ये वाला पॉइंट अब देखिएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जन लाभदायक एक अन्य रूप स्वयं सेवक समितियों का दल था, वॉलंटियर्स। ठीक है, वॉलंटियर एक ये जो कंसेप्ट था ना ये काफी ग्रो हुआ था वॉलंटियर्स का। वॉलंटियर्स मतलब कि भाई खुद से आगे आओ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, समिति कहा गया था। ऐसी बहुत सारी समितियां बंगाल वाले क्षेत्र में ग्रो हुई थी ड्यूरिंग दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जिन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया था। ठीक है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो वहां पे याद रखना है, एक स्कूल टीचर अश्विनी कुमार दत्त, इनकी चर्चा आगे भी होगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक स्वदेशी बांधव समिति, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये सब नाम। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना बारिशाल, वो वेस्ट बंगाल का ही क्षेत्र है, उसी वाले क्षेत्र में एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ग्रो किया था भाई। ठीक है कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल दे एक्चुअली फॉर्म्ड अ समिति एंड दे वर्क टूवर्ड्स दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां थी, लेकिन एक अश्विनी कुमार दत्त वाला नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आकाश आपने वो नॉवल रीड किया है, वेरी नाइस टू नो दैट। ये देखिए सोनू जी अभी आ गई, सोनू मिश्रा हेलो गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। अच्छा यार प्रवीण सर आजकल क्लास में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है अच्छा मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है, महिमा हेलो सर गुड इवनिंग, यस महिमा गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो सो इसके आगे आप बढ़ते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें हुई, मतलब जो जहाँ जो कर सकता है वो कर रहा है। ठीक है ना, जो जहाँ जैसे भी कर सकता है वो कर रहा है। लाइक बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेशंस को इनिशिएट किया था महाराष्ट्र वाले रीजन में। सो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शिवाजी और गणपति उत्सव लोकमान्य तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन फैलाए और जनता के बीच बहिष्कार आंदोलनों के लिए आयोजित किए गए थे। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है दैट द शिवाजी एंड गणेशपति फेस्टिवल्स इन वेस्टर्न इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज बाई दिस बाल गंगाधर तिलक। हितरानी इट्स ओके, चलो अब कंटिन्यू करो पहले फिर बात करेंगे। नीरज बाबू ये आने का टाइम है, वेरी नाइस, चलो करो आप लोग ऐसे ही फिर अच्छी बात है। चलो सो जो जहां से जो कर सकता। अच्छा वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट सांस्कृतिक क्षेत्र में, यहां भी हिंदी भी लिखा हुआ है, जब बहुत जो जिसमें हिंदी की जरूरत नहीं है उसको कभी कहीं कहीं मैं छोड़ देता हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, उतनी हिंदी इंग्लिश दोनों को आनी चाहिए। सो इन द फील्ड ऑफ कल्चर, अमार सोन बंगला एक गीत लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के प्रोटेस्ट में, और आपको ध्यान रहे कि ये गीत आज की तारीख में बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, राष्ट्रगान है अमार सोन बंगला, जो उसी समय लिखा गया था एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अमार सोन बंगला। ठीक है, ये अभी बांग्लादेश का, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो ईस्ट बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, ठीक है, और असम वाला क्षेत्र, उसी में से असम हमारे देश का एक राज्य रह गया और ईस्ट बांग्लादेश जो ईस्ट बंगाल जो बना था वो बेसिकली 1969 में आके बांग्लादेश बन जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिया इटसेल्फ। उस पर कभी और बातें होंगी। ठीक है, सो ये अमार सोन बंगला वाली बात याद रहे। ठीक है, कलकत्ता में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल खोला गया। ठीक है, ये खोला गया अरविंदो घोष, इसके अरविंदो घोष वॉज एन इंपॉर्टेंट बंगाली एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है, अरविंदो घोष का नाम याद रहे तो पहले प्रिंसिपल बने इसके। ठीक है, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट प्लेस्ड ग्रेट इम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले ही बोल चुके हैं कि भाई इस आंदोलन का जो थीम था वो बेसिकली क्या था, आत्मनिर्भरता था। ठीक है, एंड यस दिस थिंग आई ऑल्सो टोल्ड यू कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वॉज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड द क्रूशियल फीचर ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अमार सोन बंगला आमी तुमाल वालो बासी, यस आकाश नाइस टू लिसन दैट, मैंने भी सुने हो ये गाना, ऑसम सॉन्ग, यस सोनू इट्स वेरी नाइस। ठीक है, ब्रजेश शुभम प्रियंका, चलो सो ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। सो मूवमेंट बेसिकली देखिए, स्वदेशी हर मूवमेंट का ना कुछ प्रो एंड कॉन्स होता है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। सो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि ये मास मूवमेंट ये भी नहीं बन पाया।
1857 में भी ये प्रॉब्लम थी और स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में भी ये प्रॉब्लम है कि ये मास मूवमेंट नहीं बन पाया, जन आंदोलन नहीं, मतलब पूरे भारत तक स्प्रेड नहीं हो पाया। ठीक है, गांधी यही काम तो करेंगे ना। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन कुछ एक किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर ऐसा क्या गांधी ने कर दिया जो इन लोगों ने नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगर समझा जाए तो, अदरवाइज गुस्साने वाली बात है। तो भाई क्या बकवास है, दिस दैट दुनिया जान जो होता रहता है सोशल मीडिया पे। भाई समझ में क्वेश्चन आए तो जवाब दो बच्चे को, ही इज आस्किंग सच ए स्मार्ट क्वेश्चन। कि गांधी कोई जादू की पुड़िया तो लेके नहीं आए थे, अभी आने ही वाले हैं, देखिएगा आ ही जाएंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो कोई जादू की पुड़िया तो वो लेके नहीं आए थे, उन्होंने बेसिकली वही काम सब किया जो बेसिक, और ही वॉज एक्चुअली द क्या कहते हैं प्रीचर ऑफ दिस सत्याग्रह। ठीक है, तो वो तो पीसफुली काम करने वाले लोग थे, क्लोज टू मॉडरेट्स, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, बिकॉज फाइनली वो क्विट इंडिया मूवमेंट तक जाते जाते थोड़े एक्सट्रीमिस्ट रूप में भी आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो इन लोगों ने नहीं किया। नथिंग स्पेशल, बट यस अ बिग डिफरेंस कि उन्होंने अपने इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का, एक एक्चुअली राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया, भारत के चारों कोनों में पहुंचाया, हर कोने से भारत के लोग सामने आए अपनी आजादी की मांग करते हुए, एंड दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। वो ना तो 1857 का रिवॉल्ट कर पाया था, ना ही वो इस समय स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट कर पाएगा। इसलिए मैंने ये स्लाइड सामने रखा है आपका, हिंदी वाले तकलीफ में मत आइएगा। अब इसमें क्या हिंदी लिखूं मैं कि भाई एरिया और रीजन और लीडर लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है तो ठीक है। सो अलग अलग क्षेत्रों में तो फैला, जैसे पूना और बॉम्बे में डेफिनेटली नन अदर देन बट अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय, दैट लाल बाला बाल गंगाधर तिलक इज दैट बाल, दिस इज लाल। ठीक है, दिल्ली वाले क्षेत्र में हैदर रजा, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देखो तिलक वाला नाम तो गेस कर लोगे, लाला लाजपत राय पंजाब में गेस कर लोगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट ये हैदर रजा क्वेश्चन में आ जाएगा ना तो कहानी हो जाएगा गोल। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। देन यू हैव दिस चिदंबरन पिल्लई, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर नेम इन द मद्रास वाले क्षेत्र में। सो मद्रास, दिल्ली, पंजाब, पुणे, ठीक है, स्प्रेड हुआ। ठीक है, बट बहुत लिमिटेड क्राउड के साथ स्प्रेड हुआ और क्षेत्र भी आप देख रहे हैं काफी स्पेसिफिक है। ये प्रॉब्लम स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट की भी रहेगी और इसी मुद्दे पर, नाउ गाइज लिसन इट वेरी सीरियसली, इसी मुद्दे को जब एक्सट्रीमिस्ट एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सटेंड करना इन द सेंस कि एक्सट्रीमिस्ट ये कहेंगे कि इस आंदोलन को हम एक पैन इंडियन कैंपेन के रूप में लॉन्च करते हैं। पैन इंडियन कैंपेन एग्जैक्टली वही आइडिया जो गांधी ने प्रपोज किया और उसी को लेके आगे बढ़े, मतलब जन आंदोलन। पैन इंडिया मतलब क्या, पूरे इंडिया में बोलते हैं इसे पैन इंडियन। तो मॉडरेट्स ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, उन्हें लगा था ठीक है कि हो सकता है बहुत सारा वर्ग, जैसे 1857 में हुआ था, बहुत सारा वर्ग इससे दूर रहे और इसी गलत इसी पेशम पेश में मॉडरेट्स इस बात को आगे लेके नहीं, मतलब एक्सट्रीमिस्ट की जो ये विचारधारा थी कि इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाए, इस पर असहमति व्यक्त की। दोनों के बीच में मतभेद हुआ और इसी के बाद 1907 में जो सूरत का सेशन होगा उनके बीच बंटवारा होगा, गरम दल और नरम दल कांग्रेस के बीच पहला विभेद उत्पन्न होगा। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा 1857 के बाद जो डिवाइड एंड पॉलिसी के रूल्स पर काम करने की जो तहजीब थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो सफल होती हुई आपको अब नजर आएगी। राइट, नित्य प्रीतम क्या कह रहे हैं आप, सर आप एंशिएंट एंड मीडिएवल कब कराएंगे, अब आप एक आदत बन गए हो, अब तो सिर्फ आपसे पढ़ना है एंशिएंट एंड मीडिएवल। तो नित्य कब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसे पढ़ा दूँ क्या यूट्यूब पे, जैसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब 6 घंटे में पूरा मॉडर्न इंडिया, 4 घंटे में पूरा एंशिएंट इंडिया, वैसे करा सकता हूँ मैं, अभी भी 2 क्लास में मॉडर्न को खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ पूनम फैन ऑन किया है लेकिन थोड़ा पसीना हो रहा है, मतलब गर्मी थोड़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली स्पीकिंग जिस दिन बोलोगे ना इस तरीके से उस दिन पता चलेगा, अभी तो बैठ के आराम आराम से सुन रहे हो ना पूनम। सो एक बार मेरे को बताओ, मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मतलब 5 क्लास में एंशिएंट इंडिया और 3 क्लास में मीडिएवल इंडिया खत्म हो जाए तो आराम से, वो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। बट जिस तरीके से, जिस थीम को लेके, जिस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ हमने शुरू किया है, ठीक है गुरु, मतलब यूपीएससी 101 पे वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये नहीं है वो अदर प्लेटफॉर्म, ऐसा वैसा नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ शुरू होगा किसी तरीके से, 2-4 क्लास के बाद हो जाएगा कुछ और तरीके से, फिर भटक के आप 3रे पे जाओगे, फिर टूट के आप 4थे पे जाओगे। ठीक है,
महिमा हैदर रजा को समझाने जैसा कुछ नहीं है। हैदर रजा में बस एक बात याद रखिएगा कि दिल्ली वाले क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व था ना, वो हैदर रजा ने किया था। ऑल राइट नहीं नहीं बोलो, मैं कर देता हूँ, मतलब 5 घंटे में संपूर्ण मध्यकालीन भारत और 3 घंटे में संपूर्ण प्राचीन काल का भारत। फैज साहब चलो, इसलिए नित्या थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज मतलब कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती है, एक बात ध्यान रखना है, दिस इज द नेचुरल लॉ, ठीक है। और अगर आसानी से मिल जाएगी ना, अगर आसानी से मिल जाएगी तो वो चीज़ अच्छी होती नहीं है। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है, साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूं मैं इसे, ठीक है। चलो ठीक है, सो आगे बढ़ो। सो क्षेत्र हो गए तो ये एक फीडबैक के रूप में याद रखिएगा। और यहां पे जो नरम दल और गरम दल के बीच में विभेद उत्पन्न हुआ है, उसका जो रीजन मैंने बताया उसे ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीमिस्ट यहीं पे इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट वाले चरमपंथी वाले जोर लगाने लगे कि इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाएं। लेकिन फिर से वही आदत नरम दल वालों की कि पेशम पेश में पड़ गई कि पता नहीं 1857 की क्रांति की तरह कुछ हो जाएगा, ये लोग नहीं आएंगे, वो वर्ग नहीं आएगा, रजवाड़े नहीं आएंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं आएगा, जो 1857 की क्रांति में एक्चुअली हुआ था, दैट इट रिमेन कन्फाइंड टू अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द पीपल एंड अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो इसी पेशम पेश इसी डिलेमा में मॉडरेट्स इस प्रपोजल को एक्सट्रीमिस्ट के एक्सेप्ट नहीं किए और यहीं से स्प्लिट होगा पहली बार कांग्रेस में आफ्टर 1857 का स्ट्रगल, जो सूरत के सेशन में एकदम सामने आ जाएगा। अभी वहां पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में फाइनली ये मॉडर्न इंडिया के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं। सो जितनी बेहतरीन तरीके से हमने आज तक किया है उतनी बेहतरीन तरीके से खत्म भी करेंगे। वो कहते हैं ना कि वो फसाना जिसे आप पूरा नहीं कर सको, ठीक है, कम से कम उसे एक अच्छे मोड़ पे जरूर छोड़ना। कभी इसका मतलब सोचा है गाइस आप लोगों ने? ठीक है, देखो किसी से रिलेशन में अगर आप हो और लड़ाई वड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप, ये सब वर्ड आजकल बड़े पॉपुलर होने लगे हैं, ठीक है, तो कोशिश करना, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली इम्पॉसिबल इट माइट बी फॉर यू, बट अमंग यू ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज डन दिस एंड हु कीप्स द कैलिबर ऑफ डूइंग दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वन सिंपल थिंग दैट अगर ब्रेकअप भी हो तो अच्छे से हो, मतलब हो जाए। इट्स लाइक लव आजकल में जैसे नहीं ब्रेकअप पार्टी, नथिंग लाइक दैट, बट ऑन गुड नोट्स कि ओके ठीक है, नाउ यू कैन गो मूव अहेड, वी कैन मूव अहेड, समथिंग लाइक दैट। यही बात कही जा रही है इन दिस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कि रिलेशंस को अगर कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो कम से कम ब्रेक अच्छे से करो, ताकि जिंदगी में, ठीक है, कल कोई अगर मौका तुम्हें जिंदगी देती है तो यू कुड एक्चुअली स्टार्ट अप अगेन। बिकॉज ये तो फैक्ट है ना गाइस कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है कल, नो वन नोज दैट, नॉट कोई नहीं, ठीक है, नाइदर द फिलोसफर्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ द वैदिक पीरियड नॉर द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल रोबोट्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम, कोई नहीं जानता, नो वन हैज डिकोडेड दिस इक्वेशन ऑफ मिस्ट्री इन दिस कॉस्मोस दैट वॉट हैज टू बी नेक्स्ट, ठीक है। सो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। देखिए सोनू मिश्रा ने लिख भी दिया यार, सोनू वो फसाना जो पूरा नहीं कर सकते उसे अच्छे मोड़ पे लाके छोड़ना, ये गालिब की गजल में ये बात ऐसे गा के भी कही गई है, इट्स वेरी नाइस। ये देखो रवि साहब क्या बोल रहे हैं, ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेक मतलब टूटना होता है और अप मतलब ऊपर होता है, जब कोई चीज ऊपर टूट जाए तो उसे ब्रेकअप कहते हैं, ठीक है। रवि आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप का मतलब क्या होगा, ठीक है, ब्रेक मतलब टूटना, मतलब ऊपर, तो जो चीज ऊपर टूट जाए उसे ब्रेकअप कहते हैं, ठीक है। फैज साहब 44 मिनट्स ही तो लेट हो, कौन है किस कौन 40 गिरजा, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो आगे, ठीक है, हो गया, हंस लिया ना, अब ओके यहां पे फोकस करो। सो एक फीडबैक के रूप में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के आपको ये भी रखना है, ठीक है, कि फीडबैक हो गया बहुत हंसी हो गई, ध्यान दो यहाँ पे। सो कि भाई ये भी ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया, और इसको एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट ने जब स्प्रेड करने की बात की तो मॉडरेट्स डिसएग्री कर गए, क्यों कर गए मैंने बता चुका हूँ, यही बेसिकली इनके स्प्लिट का कारण होगा, ठीक है। मूविंग अहेड, हाँ, और हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी इसमें नहीं देखी गई थी, इसका रीजन मैंने पहले आप लोग को बता दिया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी क्यों देखी जाएगी, 1906 में मुस्लिम लीग बनने वाला है, ठीक है। अच्छा गाइज इस पॉइंट को जरा नोट कर लेना कॉपी में, ये शायद स्लाइड पे नहीं है, 1906 में मुस्लिम लीग आपका बना है,
मुस्लिम लीग आपको बना है, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके कुछ नाम लिख लेना। एक तो नाम जिन्ना होता ही है, हालांकि मुस्लिम लीग में मैं पढ़ाऊंगा, एक हकीम अजमल खान लिख लेना, ठीक है। और सबसे खतरनाक नाम लिखना, दैट वाज ढाका के नवाब जो थे उस समय, दैट वाज नवाब सलीमुल्ला। ये कहीं अपने नोट्स में कॉपी पे लिख लेना। वैसे मुस्लिम लीग की बातें मैं आगे भी करूंगा। सो 1906 में ये आइडियाज फूलने फलने लगी हैं, तो डेफिनेट सी बात है हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी तो देखी नहीं जाएगी। ये बात मैंने पहले भी बताया हुआ है। हाँ देखो, ये लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस आंदोलन में बिल्कुल नहीं देखी गई थी। दैट वॉज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीडबैक ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिकेम एन इशू टू सीक पॉलिटिकल माइलेज। हाँ, मुसलमानों के लिए राजनीतिक लाभ देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग एक राजनीतिक मुद्दा बन गई। देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। जब हम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ रहे थे, नए लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो मुझे नए नए दिख रहे हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ो, अभी प्रॉपरली कंटिन्यू करो और पीछे में प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखो। यूपीएससी 101 पे कुछ भी रैंडम नहीं होता, यहाँ एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। एंड डोंट गो बाय माय वर्ड्स, स्पेंड सम टाइम विद अस, यू विल गेट टू नो दिस। मैक्सिमम मैं इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। सो पृथक निर्वाचन मंडल, आपको अगर याद हो 1909 का मिंटो मॉर्ली सुधार, जिसकी वजह से, जिसके बाद, जिस सुधार के आधार पर, मिंटो मॉर्ली सुधार अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, मिंटो मॉर्ली सुधार, ठीक है, इसी के आधार पर, ये टाइम क्या था, 1909, इसी के आधार पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, सारे एक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को इतने अच्छे से कि मैं क्या बताऊँ कितने अच्छे से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों को दे दिया गया था, ठीक है। मतलब जो इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसका पहला फूल जो है, ठीक है, वो खिला था पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में, जो मुसलमानों को दे दिया गया था राइट आफ्टर दिस पार्टीशन। सो वो बातें भी गूंजने लगी थी। मुस्लिम लीग जब बना तो ये चीजें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी हवाएं का धुआं उठने लगा, कि हवाएं चलने लगी। अंग्रेजों ने सूंघ लिया, अंग्रेजों ने उस धुएं को देख लिया, महक लिया, सूंघ लिया, और फटाक से एक फरमान हाजिर हुआ जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बेस्ड ऑन मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, एंड जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों को दे दिया गया। नाउ व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ पृथक निर्वाचन मंडल, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, पृथक आज जो हमारे पास, जो हम जिस मोड में इलेक्शन या वोट करते हैं, उसमें बेसिक, ध्यान से देखो गाइस, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्टेट है, जो पूरी कंट्री है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बंट जाती है, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ जाती है। हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे वोटर्स खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी के वोटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोग, ये किसी को भी वोट कर सकते हैं, ये एक फ्री विल रखते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर विशेस, राइट। सो ये आज की व्यवस्था है, ठीक है, ये आज की व्यवस्था है जो मतदान प्रणाली है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई, वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव में खड़ा हो सकता है और सिर्फ मतदान भी उसे मुस्लिम ही कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई और आबादी है या फिर अगर किसी और रिलीजन या कास्ट के, रिलीजन के लोग हैं, तो उनका इस क्षेत्र में कोई अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस आइडिया वॉज, द आइडिया वॉज टू डिवाइड द पीपल ऑन द रेशियल लाइन्स। ये ऐसे करते करते छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र बनते चले जाएंगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहां सिर्फ मुस्लिम बहुल समाज होगा, मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधि होंगे और मुस्लिम कम्युनिटी होगी। सो इंडिया हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवाइड करने की जो ये ब्रिटिश की साजिश थी, वो बेसिकली स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का अल्टीमेट नतीजा थी, विच एक्चुअली वॉज बेस्ड ऑन मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स एंड फाइनली केम इन टू द नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। सो एक बार बताओ मेरे को ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। शाहूर बाबू, वीडियो देखना नहीं है, नोट्स भी बनाना है, जल्दी से बताओ ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट,
ये मुस्लिम लीग वाली बातें, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट से इसका क्या संबंध है, मुस्लिम कैसे और क्यों इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं, जस्ट लेट मी नो। शुभम साहब आपका तो देख लिया, मंदीप थोड़ा सा लैग होता है 10 सेकंड का। यस सर, यस सर, यस सर, बीपीएससी रोल नंबर, ग्रेट सर। क्या बीपीएससी रोल नंबर, चलो अच्छा लग रहा है, मजा वजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर ऑल क्लियर, चलो सबका क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। नाउ गाइस मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, सूरत स्प्रिट पे आते हैं। सब कुछ मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अच्छा एक बात मैं कह चुका हूँ कि अगर कहीं कहीं थोड़ी सी हिंदी ना दिखे, ठीक है, तो हिंदी वाले तकलीफ में नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर हिंदी में लिखने वाला कुछ होगा ही नहीं। मतलब इसमें इतने सिर्फ नाम है ना, स्वराज, दादा भाई नौरोजी एंड ऑल, ठीक है। सर गैर सरकारी नौकरी, गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य मीन्स, गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य। नीता खुद सोच लो ना, गैर सरकारी मतलब वो सरकारी नहीं है, और निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या हो गया, जैसे वो इलेक्टेड मेंबर है। तो आप ऐसे मान लो ना कि, और जैसे रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, जैसे शहरों में ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, बड़े बड़े जो कॉलोनीज होते हैं दिल्ली बॉम्बे में, उनमें ना बेसिकली एक चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है उस पूरे रेसिडेंशियल एरिया को देखना, उनकी मैनेजमेंट। सो उसे कोई कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, उसे मोहल्ला वासियों ने खुद मिलकर नियुक्त किया है इन द नेम ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया का, ठीक है, चेयरमैन, जिसको मैनेजमेंट देखना है उस पूरे क्षेत्र का, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, गैर सरकारी, और निर्वाचित भी है, बिकॉज ही इज अपॉइंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, वोटिंग करते हैं सब आपस में ही। सो वो बात हो जाती है गैर सरकारी, निर्वाचित मतलब जो वोट के द्वारा चुना जाए, गैर सरकारी मतलब जो सरकारी नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल सब खुद ढूंढ लीजिए, जो भी आपको दिखता है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, राइट। चलो हाँ, कॉलोनी में होता है, सोसाइटी में होता है, कॉलोनी में होता है, ब्रजेश बाबू वही बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो, इसी का नतीजा, ये बात मैं अब क्लियर कर चुका हूँ कि सूरत स्प्लिट, ये जो सूरत सेशन था कांग्रेस का जो हुआ था 1907 में, उसकी बात की जा रही है। वहीं कि एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे हैं, बता चुका हूँ सब कुछ, बस एक बार थोड़ा सा और सुन लो। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाएं, पूरे भारत में फैलाएं। मॉडरेट्स इस डिलेमा में हैं कि यार फिर 1857 वाला हश्र हो जाएगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, इसको फैलाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसी की वजह से उनमें स्प्लिट होता है, विच एक्चुअली इमर्जेज ऑन द पेपर इन दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन, विच वॉज एक्चुअली कंडक्टेड एट सूरत इन द ईयर 1907, ठीक है। सो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इससे संबंधित कुछ, कि ये तो 1905 में बनारस सेशन ऑफ INC था, जो गोखले साहब की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें स्वदेश एंड बायकॉट मूवमेंट का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। इसमें पहली बार स्वराज शब्द पे डिस्कशन हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन आया ना कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पर पहली बार चर्चा हुई थी, याद रखना बनारस सेशन, प्रिजाइडेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले, इन द ईयर 1905। लेकिन अगर यहीं पे मैं पूछूं, ठीक है, कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया था, एक बार आंसर बताना चाह रहा जल्दी गाइस, ठीक है। हाँ ट्रेन चली गई, ठीक है। ट्रेन चली गई आशीष, शुभम, नीता, ट्रेन चली गई। योगेंद्र बताओ जल्दी से, हम वेटिंग फॉर द आंसर, कि स्वराज शब्द को सबसे पहली बार बोला किस व्यक्ति ने था। दयानंद सरस्वती का नाम सुना है आप लोगों ने, यार थोड़ा लैग होता है ना, इसके लिए वेट ज्यादा कर जाना होता है, ठीक है। किसी ने नहीं बताया, नो वन इज गिवन मी द आंसर, व्हाट इज दिस। अच्छा अभी आया नहीं होगा शायद, मुझे लगता है। योगेंद्र सिंह यस सर, चलो यार कितना वेट करूं मैं। एक्सट्रीमिस्ट DBN, दादाभाई नौरोजी गलत, विशाल, गांधी जी, दादाभाई नौरोजी, यस सर। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली बार इस शब्द का उपयोग किया था, काफी पहले, उनका टाइम तो 19th century के शुरुआत में, 18th century के एंड में था ना, सबसे पहली बार इस शब्द का उपयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने इसका सबसे पहला उपयोग किया था, ठीक है, हु यूज द प्रेसिडेंट ऑफ INC सेशन, कलकत्ता वाले जो अधिवेशन में 1906 में दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहली बार यूज द वर्ड स्वराज एट द पॉलिटिकल लेवल, दादाभाई नौरोजी। सो इस डाउट में मत रहिएगा,
पहली बार इस वर्ड को यूज दयानंद सरस्वती ने किया था। राजनीतिक स्तर पर इस पर सबसे पहली चर्चा बनारस सेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और राजनीतिक स्तर पर इस शब्द का उपयोग सबसे पहली बार दादाभाई नौरोजी ने 1906 कलकत्ता सेशन, जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे थे, उसमें किया था। ठीक है, सो फाइनली इसी ग्राउंड पे सूरत में 1907 के अंदर, ठीक है, स्प्लिट होता है। एंड दैट स्प्लिट इज नोन एज सूरत स्प्लिट 1907 एक्सट्रीमिस्ट और 1907 में, मतलब ये स्प्लिट होता है और एक्सट्रीमिस्ट और जो चरमपंथी हैं और जो नरमपंथी हैं वो अलग हो जाते हैं। रीजन क्या है मैंने बता दिया। ये मोतीलाल नेहरू कौन बोल रहा है भाई, राकेश साहब इतना खतरनाक आंसर मत दो प्लीज। ठीक है, सो सूरत स्प्लिट वाला मुद्दा क्लियर है, बेसिक इसका जो रीजन था वो भी क्लियर है। मूविंग अहेड, ठीक है, डिमांड्स तो एक्सेप्टेबल थे नहीं इनके, ये तो भाई पैन इंडिया मूवमेंट बनाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, ठीक है, कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि सूरत सेशन में ना भाई जो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, जो अध्यक्षता करेंगे सूरत अधिवेशन की, वो हमारे लोग होंगे। और लाला लाजपत राय का नाम प्रपोज किया गया गरम पंथियों या गरम दल की तरफ से, कि भाई सूरत अधिवेशन में तो अध्यक्ष जो होगा वो हमारा होगा, लाल बाल पाल में से लाल। मॉडरेट्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, मॉडरेट्स ने अपना एक नरम दल का नेता रास बिहारी घोष, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन, रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से सूरत का स्प्लिट में और बहुत बुरा किया गया था, मतलब उस सेशन में से एक्सट्रीमिस्ट को बर्खास्त कर दिया गया था। And that Surat session was like very restricted, was absolutely restricted only for the moderates. So Ras Bihari Ghosh, a moderate leader, he finally became the president. Lala Lajpat Rai ko president banane ki us session ki jo proposal thai, extremist ki usko accept nahi kiya gaya. Aur finally dono mein kya ho gaya? बंटवारा हो गया, जो आगे चल के 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत फिर से मिलाने की इनको कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार, ठीक है, इस किसी धागे में अगर गांठ पड़ जाए ना एक बार गाइस, ठीक है, तो वो गांठ बस छोटा कम ज्यादा हो सकता है, आप उसे संभाल के रख सकते हो, बट द गांठ नेवर गोज अवे। और ये चीज आप महसूस करेंगे आगे की हिस्ट्री में 1947 तक, कि जो सूरत वाला गांठ है ना, ठीक है, वो इसको अच्छे से स्मूथ करने की कोशिश लोग करते रहेंगे, ठीक है, बट ये कभी एक्चुअली होगा नहीं, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो इसी के बाद एग्जैक्टली इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब ये फूट पड़ गई है, ठीक है, तो अंग्रेज आएंगे और फिर मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, एग्जैक्टली 1909 में मिंटो मॉर्ली सुधार पर आधारित जो इंडियन काउंसिल एक्ट है पारित होगा, और इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दे दिया जाएगा कि भाई कांग्रेस में तो फूट पड़ी चुकी है, अब हिंदू मुसलमान को भी तोड़ो। सो ये जो तटस्थ निर्वाचन प्रथा है, जो परंपरा है, उसका भी, उसको भी लागू कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, सो सूरत स्प्लिट के बाद बेसिकली जो डिवाइड एंड रूल पर जो सबसे पहला और कंसोलिडेटेड डिसीजन अंग्रेजों का था, दैट वाज दिस इंडियन काउंसिल एक्ट, मिंटो मॉर्ली सुधार के बाद जो कानून आया था। ठीक है, इसके में जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मुस्लिम को जो अधिकार दिया गया था, डेफिनेटली ये चीजें बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी उसको लागू करने की ओर सबसे जबरदस्त निर्णय के रूप में माना जाता है। सो गाइस 1905, देखिए मैं कंक्लूड करता हूं, 1905, 1906 एंड 1907, इन तीनों घटनाओं को इंटर रिलेट करके पढ़ना है। वो गलती जो आप लोग बार बार करते रहते हैं, प्लीज मत कीजिएगा, आइसोलेटेड तरीके से किसी चीज को मत पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बना के, और ये इंटर रिलेशन अपने दिमाग में रखिएगा, 1905, 1906 और 1907 वाला इंटर रिलेशन, कि पांचवें बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें क्या क्या हुआ सब मैंने बताया, कौन थे कौन नहीं थे, ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस्ड, राइट। 1906 बेसिकली वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी समय पैरेलल में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो रही है, मतलब हिंदू वर्सेस हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, ये आइडिया भी प्रमोट होता चला जा रहा है। और 1907 दैट इज सूरत स्प्लिट, नतीजा बेसिकली इन्हीं नरम दल और गरम दल के बीच का मतभेद है, जिसके बाद, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों, मतलब इस कांग्रेस की कमजोर कड़ी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स विल कम आउट विथ 1909, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, विच इज डेफिनेटली अ जबरदस्त टाइप का ब्लो ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो 1905, 1906, 1907 और 1909, ठीक है, इन चीजों को इंटर रिलेट करके अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है,
आज का टाइम ख़त्म होता है और आज की क्लास को हम इतनी देर ही रखेंगे, मतलब 9 बजे का टाइम तो हमारा हो ही चुका है गाइस। तो इसके बाद और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइक दिस, कुछ अभिनव भारत से लेकर अनुशीलन समिति तक, चापेकर ब्रदर्स की कहानी है, फिर कुछ हम जैसे बीकाजी गामा और इससे गदर पार्टी से रिलेटेड, फिर दिस को गाता मारू इंसिडेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक बात जो मुझे बस बतानी है कि 13 जून का डेट ये मत भूलिएगा, ठीक है। जो अन अकेडमी का एक जो सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप शुरू हुआ है 30 जून को है ये बेसिकली, और टॉप 1 to 50 रैंकर्स को सीधा गाइडेंस मिलेगी किन लोगों से, तो जो एक्स सिविल सर्वेंट की एक टीम बनी है उनसे। इसके अलावा जो ये कॉम्बैट वाले सेक्शंस होते हैं, स्कॉलरशिप जीतना, ठीक है, कॉम्बैट वाले जो सेक्शंस होते हैं लाइक दिस, इंडियाज बिगेस्ट कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइज, वो इन चीज़ों का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? मतलब देखो यार, अगर 1 to 3 के बीच में आ जाओगे तो आपका पूरा फीस खत्म हो जाता है यहाँ पे, पूरा फीस खत्म हो जाता है यहाँ पे। 4 to 10 के बीच में भी रहते हो तो 75% आप लोग को आराम से मतलब मिल जाता है डिस्काउंट। सो इन चीज़ों का फायदा क्यों नहीं उठाते हो, लेट मी नो दिस। मेरे को टेलीग्राम पे आप बता सकते हो दैट यू हैव द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। लेकिन जब चीज़ें हैं आपके पास लाइक ये फ्री टेस्ट सीरीज, क्यों टेस्ट के बारे में तबाह होते रहते हो? यू हैव द फ्री टेस्ट सीरीज कितने हैं, ठीक है, देख लो आंखों के सामने है, ये गाइडेंस, ये स्कॉलरशिप, फायदा उठा उन चीज़ों का गाइज, जो आपके डोर स्टेप तक इतनी आसानी से पहुंच जा रही है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, अगर साइंस वाली क्लास में फिर कल प्लान करता हूं तो ठीक है, कल मिलेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद मिलेंगे, साइंस की क्लास होगी। बट यस, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टुडे, आई लाइक जो मुद्दा हमने पिक किया था उस पर थोड़ा सा मैं डेफिनेटली आज दुखी हुआ साइंस क्लास इंटरप्ट होने की वजह से, बट लेट्स होप समथिंग गुड इन द अपकमिंग टाइम्स, वो कभी कभार हो जाता है। और हाँ गाइज, UPSC की प्रिपरेशन पर जो मैंने एक कार्यक्रम कहा था, ठीक है, मैं शुरू करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, उसकी पहली क्लास कल होगी, ठीक है। सो वो टेलीग्राम में कन्वे कर दूंगा आप लोगों को मैसेज, मेक श्योर कि आप लोग अवेलेबल हों, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स एंड डिलेमाज उसमें क्लियर होने वाले हैं गाइज, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए गाइज, कमेंट्स वगैरह अगर अच्छा लगता है आपको तो ये काम जरूर कर दिया करो। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।